सारी। कॉफी। थैंक यू। पता है उमेर भी जब देर देर तक काम करता था ना अपने ऑफिस का, तो उसको मैं बड़े से मग्गे में कॉफी भिजवा दिया करती थी। अम्मी, मैं उमेर जैसी नहीं हूं, इसलिए आज हम अलग हैं। तुम तो मेहर हो भी नहीं सकते, और तो बहुत बदकिस्मत है बेचारा। खैर, जल्दी काम खत्म कर लेना। और ये क्या तुम हवा में इस तरह बैठी हो? ये उड़ो। आजकल तुम्हें अपना ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। अम्मी, ये क्या हर रोज मुझ में फूंकती रहती है। अम्मी, तुम्हारी हिफाजत के लिए। अम्मी, ये सर एकदम से कहाँ गायब हो गए? मैं क्या जानू कहाँ गायब हो गए, मेरा क्या ताल्लुक है उनसे? अम्मी, मैंने तो बस एक ऐसे ही सवाल पूछा था। आप दोनों क्या एक दूसरे को जानते हैं? क्यों जानेंगे, बस इतना ही जानती हूँ मैं कि वो तुम्हारे बॉस हैं और बस। तो अम्मी, बॉस ही तो है, इसमें तो घबराने वाली कौन सी? कौन घबरा रहा है? छोटी बच्ची हूँ जो घबरा गई हूँ? तुम्हारे सवाल जवाब खत्म हो गए हो तो मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहती हूँ बस। इतना लोभ तो मैंने अम्मी को कभी नहीं देखा, ना तब जब उमेर के फादर और सारे घर वाले उनकी बेइज्जती करते थे, ना तब जब वो अपना घर बार अपनी औलाद छोड़कर मेरे साथ चली आई थी। फिर आज क्या हुआ है? जब से सफर सर से मिली है भुजी भुजी सी है। कुछ ऐसा जरूर है जो अभी मुझे समझ नहीं आ रहा।